I like it. हेलो गाइस, तो वेलकम टू माय ब्लॉग। आप लोग का स्वागत है मेरे ब्लॉग में। और बता दें कि आज एक घरवास का पार्टी है, तो वहीं हम लोग घरवास के पार्टी में चलते हैं। घरवास का पार्टी मतलब कहने का हुआ, मतलब जो घर इंसान नया नया बनाता है ना, तो उसी में जो पार्टी रखता है एक छोटा सा सोसाइटी के लिए, वही वाला पार्टी है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग चलते हैं। और बता दें कि अभी हम थोड़ा सा पढ़ ही रहे थे, इसलिए को भी थोड़ा सा ऐसा बिखरा हुआ है। वैसे तो आपको मेरे टेबल पर हमेशा बिखराई को हुआ लगे है। समझ रहे हो आप? खैर चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं ब्लॉग को बिना किसी देरी के। हाँ गाइस, तो बेसिकली बता दें कि हम लोग जिस पार्टी में जा रहे हैं वो घरवास जो है आर्मी वाला का घरवास है। मतलब जिसका घर है वो आर्मी में था, आर्मी से रिटायर किया है, तो बहुत पैसा हो गया है, तो वो घरवास कर रहा है। खैर इससे हम लोग को क्या मतलब, हम जनता माफ नहीं करेगी। तो चलते हैं, ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। दादा तैयार हो जाए क्या? भी चल रही है क्या? चल रहा है। तुम क्या हुआ, कैसे क्या बोल रहा है? कुंहर के गजब बेइज्जती है। ओ पेट दर्द कर रहा है, तो कैसे खाएगा मुनू? ओ बहुत शाम में दौड़ा है ना, इसी वजह से इसका पेट दर्द कर रहा है। तो चलेगा कि नहीं? चल रहा है भाई कि नहीं? क्या उल्टे हुए हो? आए कुछ है क्या वॉशिंग मशीन में? चूहा है। कहना क्या चाहते हो? फाइनली मेरा कपड़ा यहाँ पे आ गया है, चलिए स्टार्ट करते हैं और चलते हैं डायरेक्ट। तो देख सकते हैं फाइनली तैयार है, रेडी हो गए हैं, चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के। ओ जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग रोड पे निकल रहे हैं। नंदी मुनू आगे चल रहे हैं, पापा दादा आगे चल रहे हैं और हम पीछे चल रहे हैं। जैसा कि आप लोग को रास्ता दिख ही रहा है, इसी जहाँ पे लाइट बन रहा है उसी रास्ते में घर बना है और वहीं पे हम लोग को जाना है। ये आदमी हम लोग को रास्ता बता ही दिया। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आगे जहाँ लाइट बन रहा है वहीं पे हम लोग घर में जाना है। घर बनाया है, समझ रहे हैं आप लोग, जिस पे जो वो लगा हुआ है लाइट वाइट लच्छी उच्छी लगा हुआ है, वही घर बनाया है। मिलिट्री मैन का घर है। देख सकते हैं यहाँ पे दादा मोनू नंदी सब आके थोड़ा देर बैठ गए और बहुत सारा आदमी बैठा हुआ है और ये लाइट काफ़ी चमक रहा है। खैर चलिए अब हम लोग ऊपर चलते हैं। जैसे आप लोगों को दिख ही रहा है बहुत सारा लोग बैठा हुआ है और ऊपर खाना खाने का व्यवस्था है। और ये देखिए सामने में जो है काफ़ी यहाँ पे खाना बनाया जा रहा है, देख ही सकते हैं सामने में खाना बना रहा है सब लोग, हलवाई सब। और हम यहाँ खाना ले लिए हैं और बहुत सारे लोग खा भी रहा है और खाना यहाँ पे देख सकते हैं। और देख सकते हैं नंदी मेरी बहन जो है यहाँ पे खा रही है, काफ़ी अच्छा खाना है, मिट्टी खा भी खा रहे हैं। और देख सकते हैं मेरी बहन जो है सामने खाना खा रही है। और यहाँ से नज़ारा आप लोग देख ही सकते हैं, ये फोर्थ फ्लोर से हम लोग दिखा रहे हैं नज़ारा। कुछ लेना है? और देख सकते हैं यहाँ पे खाना देने का सिस्टम है, आर्मी वाला व्यवस्था बहुत अच्छा किया था। वैसे भी आर्मी वाले लोग सब डिसिप्लिन में ही सारा काम करते हैं, इस बात की तो दाद देनी पड़ेगी। खैर खाना वाना खाने के बाद अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं। खैर देखिए क्योंकि आर्मी वाला का पार्टी है, घरवास है, तो आर्मी वाले लोग सब तो रहेंगे ही। यहाँ पे ये आर्मी वाले भैया को देख ही सकते हैं आप लोग, और एक के साथ हम फोटो भी खिंचवाएंगे। आप लोग देख सकते हैं, इनको भी देख सकते हैं आप लोग, और इनको भी देख सकते हैं। वैसे सही बताएं तो देश के दिल की धड़कन यही आर्मी ही होती है, और हम लोगों को आर्मी की बहुत ज़्यादा इज्जत करनी चाहिए। खैर अब हम लोग घर की तरफ चलते हैं, बहुत सारा फ़ोटो खिंचवाए, वीडियो भी बनवाए, फ़ोटो हम लगवा देते, लेकिन अभी फोटो लगाया नहीं, थंबनेल में लगा देंगे। खैर अभी हम लोग घर की तरफ चल रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, हम गए तो आर्मी वाला का घरवास था, तो आर्मी वाला का तो आना एकदम जाहिर सा बात है, आर्मी वाले लोगों का आना। तो हम फोटो भी खींचवाएँ और आप लोग देखें क्या क्या हुआ। खैर आर्मी वाले के यहाँ का खाना बहुत अच्छा था। खैर इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और अगले ब्लॉग में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा, खुदा हाफिज़। इसके साथ ही ब्लॉग खत्म होता है और इस ब्लॉग लेते हैं। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, बाय बाय, गुड बाय, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, थैंक्स, लव यू।
हुआ जो लिखता हर बात पे मिलूंगा मैं मरा हुआ नशेड़ियों के साथ में उस रात में मौजूद था जो तेरा है वजूद बेटे नाचते हैं तेरे जैसे लड़के।